हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू। आज आपको टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा एक्सरे में। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है टेक्निकल पॉइंट्स में। तो पहला है कि हमें साइट देखना है। तो साइट डिटर्मिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पोजिशन मार्कर, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब ये पेशेंट का राइट है और ये पेशेंट का लेफ्ट है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एक्सरे प्लेन है या कंट्रास्ट है, तो इस पर कोई भी डाई नहीं है, ये हमारा प्लेन एक्सरे है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि रोटेशन तो नहीं है एक्सरे में। तो रोटेशन को हम लोग कैसे देखते हैं, उसके लिए जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, ये जो वर्टिब्रा दिख रही हैं, ये थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं और इनसे ये रिब निकल करके आती हैं। पीछे वर्टिब्रा से आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो जैसे ये देखिए, ये रिब निकल करके आ रही है और यहाँ पर आकर के ये आगे जुड़ रही है स्टर्नम में। तो कुछ इस तरह से ये पीछे से लेकर के आगे की तरफ आती है। तो ये यहाँ पर ये थोरेसिक वर्टिब्रा है और ये थोरेसिक वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस है। ये देखिए, आपको ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, ये स्पाइनस प्रोसेस है। ये हमारा क्लेविकल बोन होती है। इस क्लेविकल बोन का ये मीडियल एंड है राइट साइड की क्लेविकल का, और ये मीडियल एंड है लेफ्ट साइड की क्लेविकल का। तो अगर हम स्पाइनस प्रोसेस को यहाँ पर माने, ये देखिए यहाँ पर ये स्पाइनस प्रोसेस है, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि इसके मीडियल इंड से यहाँ तक की दूरी नापेंगे और इसके मीडियल इंड से यहाँ तक की दूरी नापेंगे। तो जिधर की तरफ ये दूरी ज़्यादा होगी, जैसे लेफ्ट साइड में आप देखिए दूरी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारी फिल्म लेफ्ट रोटेशन में है। रोटेशन होने से नुकसान क्या है, ये आप एपी और पीए दोनों में देख सकते हैं। इसका नुकसान ये है कि जैसे अगर फिल्म रोटेटेड है, तो फिल्म रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये जो ट्रेकिया है, अगर ट्रेकिया का डेविएशन है किसी तरफ किसी भी पैथोलॉजी की वजह से, तो उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो हार्ट की शैडो है, या आपको जो बीच में हार्ट की शैडो दिख रही है, अगर लेफ्ट साइड में रोटेशन है तो हार्ट की शैडो आपको बड़ी हुई दिख सकती है, और राइट साइड में अगर रोटेशन है तो हार्ट की शैडो आपको छोटी दिख सकती है, जो कि एक मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट में अगर ये रोटेटेड है, तो ये हमारा जैसे कॉस्टोफ्रेनिक एंगल है, तो ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल आपको ब्लंट नजर आ सकते हैं, जिसका आप प्लूरल इफ्यूजन या और किसी पैथोलॉजी से रिलेट करके मिसडायग्नोसिस कर सकते हैं। कई बार ये जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, जैसे ये सॉफ्ट टिश्यू है, ये ओवरलैप करता है लंग फील्ड पे, तो लंग फील्ड उतना प्रॉपर विजुअलाइज नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग फिर से गलती कर सकते हैं डायग्नोसिस बनाने में। तो ये बात हो गई हमारे रोटेशन की, जिस तरफ डिस्टेंस ज़्यादा होगी इसका मतलब उस तरफ का रोटेशन है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि एक्सपोजर कैसा है। एक्सपोजर देखने के लिए क्या होता है कि ये जो हार्ट है हमारा, इस हार्ट के पीछे जो आपको वर्टिब्रल बॉडी दिख रही है, आप देखिए ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये वर्टिब्रल बॉडी है, और ये बीच में आपको डिस्क दिख रही है। तो ये डिस्क और वर्टिब्रल बॉडी हार्ट की साइडों के पीछे जस्ट विजिबल होना चाहिए। अगर जस्ट विजिबल है तो इसका मतलब है कि प्रॉपर एक्सपोजर है, मतलब जो ये एक्सरे लिया गया है, तो इसका मतलब है कि पेनिट्रेशन जो है वो नॉर्मल है। अगर ये आपको सफ़ेद दिख रही है, ये आपको वर्टिब्रल बॉडी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है अंडर पेनिट्रेशन है या अंडर एक्सपोजर है। अगर ये बहुत ज़्यादा दिख रही है, जैसे आप बगल वाले एक्सरे में देखिए, यहाँ पर ये आपको सारी की सारी दिख रही है, और ज़्यादा आप देखिए ये हार्ट की साइडों के पीछे ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब ये ओवर एक्सपोज्ड है। तो नॉर्मल एक्सपोजर के लिए हमें ये देखना है कि हार्ट की साइडों के पीछे जस्ट विजिबल अगर आपको ये वर्टिब्रल बॉडी और डिस्क दिख रही है, तो हम बोलेंगे एक्सपोजर जो है वो प्रॉपर है। एक और बात कि एक्सरे की पिक्चर जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए। जैसे आप देखिए, प्रॉपर चेस्ट एक्सरे के लिए क्या होना चाहिए कि हमें यहाँ पर ये दोनों लंग के एपेक्स दिखने चाहिए, साइड में जो रिब केस है ये दिखना चाहिए, और दोनों कॉस्टोफ्रेनिक एंगल हेमीडायफ्राम के साथ में दिखना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारा लंग फील्ड जो है, वो जो एक्सरे लिया गया है वो प्रॉपर लिया गया है। इसके बाद एक और पॉइंट होता है, इंस्पिरेशन में लिया गया है एक्सरे या एक्सपिरेशन वाली फेज पे लिया गया है। तो हमें हमेशा एक्सरे लेना चाहिए इंस्पिरेटरी फेज पे।
इंस्पिरेटिव फेस को कैसे देखेंगे कि देखिए जैसे ये यहाँ पर आपको ये रिब दिखाई दे रही है जो बहुत कम विजुअलाइज हो रही है, ये रिब जो है ये पोस्टीरियर रिब है, और जो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है ये सारी रिब ये आपकी इंटीरियर रिब है। तो जो इसकी पोस्टीरियर रिब है, पोस्टीरियर रिब अगर आप देखें और ये आपका राइट हेमीडायफ्राम है, इधर देखेंगे तो ये लेफ्ट हेमीडायफ्राम है, तो ये डायफ्राम में अगर आपकी छठवीं रिब आ रही है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर इंस्पिरेटरी फेज में लिया गया है एक्सरे। जैसे यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो ये देखिए ये पहली रिब है, ये दूसरी रिब है, ये तीसरी रिब है, ये चौथी रिब है, ये पांचवी रिब है, ये छठवीं रिब है और ये सातवीं रिब है। तो इसका मतलब छठवीं रिब इसको डाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसका एक्सपोजर प्रॉपर है, इसका जो इंस्पिरेटरी फेज में लिया गया है एक्सरे ये नॉर्मल है। जबकि आप इस वाले अगर एक्सरे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पहली रिब है, ये दूसरी रिब है, ये तीसरी रिब है, ये चौथी रिब है और ये पांचवी रिब देखिए यहाँ पर आ रही है, ये साइड से जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये एक्सपिरेटरी फेज में लिया गया है, ये प्रॉपर इंस्पिरेटरी फेज में नहीं लिया गया है। प्रॉपर इंस्पिरेटरी फेज में ना लेने का एक ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर होता है, ये देखिए आपको ये पल्मोनरी वेसल्स का जो दिख रही हैं, ये सारी ब्रांचेस दिख रही हैं, तो ये पल्मोनरी वेस्कुलेचर बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस बनाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो इसकी पोस्टीरियर रिब है वो आपको छठवीं रिब यहाँ पे डाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि ये इंस्पिरेटरी फेज में प्रॉपर लिया गया है। और जो इंटीरियर रिब है वो 8 से 10 रिब अगर यहाँ पे डाइसेक्ट कर रही है, जैसे इंटीरियर रिब की बात करें तो ये देखिए पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, तो ये आठवीं रिब डाइसेक्ट कर रही है इसको डायफ्राम को। तो अगर 8 से 10 रिब आपको डाइसेक्ट कर रही है इंटीरियर रिब, तो हम बोलेंगे कि ये एक्सरे प्रॉपर लिया गया है। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे कि मैंने इसमें बताया, आप इसमें देखेंगे तो ये पहली रिब है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और ये सातवीं डाइसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सपिरेटरी फेज में लिया गया है, प्रॉपर इंस्पिरेटरी फेज में एक्सरे नहीं लिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एनाटॉमिकल पॉइंट्स के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। थैंक यू। कितनी देर का बनाए?